चलते शो में क्या एंकर को हटा सकते हैं? भारती, वैसे मैं जनरली जानना चाह रहा था, तू जीन्स क्यों नहीं पहनती यार? मुझे फिट नहीं आती है। अरे मैं तुझे एक चीज दूं और तुझे फिट आएगी। क्या? नहीं नहीं, मतलब तुम नहीं, अब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत तेरे पे फिट आएगी। भारती, वैसे सब लोग सलमान भाई की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे फिल्म में मुन्नी को पीठ पे उठाया और पाकिस्तान छोड़ा है। अरे मैं तो कहता हूँ तारीफ होनी चाहिए आयुष्मान खुराना की। सही कह रहे हो मनीष, एक पतले आदमी की पीठ पर बैलेंस बनाकर बैठना कितना मुश्किल होता है ये मुझसे पूछो। मनीष एक बात बता, सब लोग नए साल में नया रेजोल्यूशन ले रहे हैं। हाँ। तू क्या ले रहा है? मैं तो फिलहाल लोन ले रहा हूँ। मैंने देखी थी तेरी फिल्म प्यार चाइना कमाल है। तो फिल्म देख के लगा कि यस, इस बंदे को उधार चुकाने के लिए लोन लेना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मेरी फिल्म का नाम था मिकी वायरस, जरा अच्छे से प्यार से नाम लो मेरी फिल्म। ओह माय गॉड, यू मीन कि मैं तुम्हारी फिल्म का नाम खराब कर रही हूं? यस एब्सोल्युटली। और जो तुमने पूरी की पूरी फिल्म खराब की उसका क्या? इसीलिए तो मैंने आप टीवी नहीं छोड़ा। वैसे कोई बात नहीं, बात तो ऐसे करिए जैसे खूब सारे फिल्म के ऑफर आ रखे हैं तेरे पास। मनीष, हाँ? अब देखो बड़े बड़े स्टार बैठे हैं, सलमान भाई, बच्चन साहब, मैं इनके सामने मुंह नहीं खोलना चाहती। अच्छा, तुम्हें पता है ये बाजीराव मस्तानी, इसमें पहले मस्तानी कौन बनने वाली थी? कौन? वन एंड ओनली भारती से। उसके बाद असली हाथी मिल गया तो भाई इसको हटा दिया और हाथी को कास्ट कर लिया। करेक्ट। भारती बताना अगला अवार्ड कौन सा है? अगला अवार्ड? हाँ। मुझे क्या पता कौन सा है? अरे यार तुम्हें पता है कौन सा है अवार्ड? मैं बता रहा हूँ तुम्हारे अंदर शायद वो अब कूट कूट के भरा हो। हाँ, याद दिला दिया तुमने। जो अगला अवार्ड है ना वो मेरे अंदर कूट कूट के भरा। हाँ, बिल्कुल कूट कूट के भरा। मेरे ख्याल ये अवार्ड नहीं हो सकता भारती, बिकॉज बर्गर और वड़ा पाव के लिए आज तक कोई अवार्ड नहीं बना है, ट्रस्ट मी। मनीष तुम ज्यादा नहीं बोल रहे बच्चन साहब के सामने। सॉरी बच्चन सर।